नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से मैं एक और नई चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। मेरी पिछली वीडियो में जिन जिन लोगों ने कमेंट किया था, उनमें से किसी एक का कमेंट सेलेक्ट करके मैं इस वीडियो में मेंशन करने वाला हूँ, और यही काम मैं अपनी आने वाली वीडियोस में भी करूँगा। यानी इस वीडियो में जो जो लोग कमेंट करेंगे, उनमें से किसी एक का कमेंट मैं अपनी आने वाली वीडियो में मेंशन करूँगा। तो इस वीडियो में मैंने जिनका कमेंट सेलेक्ट किया है मेंशन करने के लिए, वो हैं अरुण जी, और उनका कमेंट आप पढ़ सकते हैं। अरुण जी, आप जहाँ भी हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर एप्रिसिएशन। इस तरह से कमेंट करने, वीडियो को लाइक करने से वीडियो बनाने वाले को हमेशा ही इनकरेजमेंट मिलती है, ताकि वो और अच्छी वीडियो बना सके। देखिए, मैं आपसे नोट मांगने या फिर वोट मांगने नहीं आया, और ना कभी आऊँगा। तो मेरी वीडियो को देखिए, इससे लाभ उठाइए, और इस वीडियो को अपने जैसे ही प्रिपरेशन करने वाले, हो सके तो स्टूडेंट्स के साथ में शेयर जरूर करिए। तो इस वीडियो में बेसिकली हम देखने वाले हैं कि द्रव्यमान में और भार में, यानी कि मास में और वेट में क्या फ़र्क होता है, और किसी भी व्यक्ति का भार लिफ्ट के भीतर कैसे वैरी करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं द्रव्यमान और भार में फर्क की। द्रव्यमान यानी कि मास और भार, दो चीजों में फर्क करने का जो सबसे सही तरीका है वो ये है कि आप एक बीच में लकीर खींचिए और सेम क्वालिटी पर दोनों को कंपेयर करिए। सबसे पहले बात करते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है, फिर देखेंगे कि भार क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी पदार्थ में द्रव्य की संपूर्ण मात्रा ही द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, द्रव्यमान एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका जो SI मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। यदि अमाउंट ऑफ मैटर बढ़ेगा तो किलोग्राम में उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। जैसे आप घर के लिए सब्जी खरीदते हैं, आलू खरीदते हैं, तो आप 1 kg आलू खरीदते हैं, पर आपके घर में अगर कोई फंक्शन होता है तो हमें ज़्यादा अमाउंट में आलू चाहिए होता है, तो किलोग्राम में उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। 50 kg या फिर 1 क्विंटल तक हम आलू खरीदते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में द्रव्य की संपूर्ण मात्रा ही द्रव्यमान कहलाती है। फिर बात करें कि भार क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा कि भार क्या होता है। यदि आप किसी भी ग्रह या फिर आप किसी भी उपग्रह पर चले जाएं, जैसे अभी हम लोग पृथ्वी पे हैं, यदि हम मंगल ग्रह पर चले जाएं, यदि हम शनि ग्रह पर चले जाएं, बृहस्पति ग्रह पर चले जाएं, या फिर किसी उपग्रह जैसे कि चंद्रमा पर चले जाएं, तो क्या होगा, ये उपग्रह अथवा ये ग्रह हमें अपने केंद्र की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इस बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि एक सार्वत्रिक नियम है, पूरे ब्रह्मांड में ये नियम फॉलो होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को, जिसमें मास हो, मास की वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम फिजिक्स की दुनिया में ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ये ग्रह अथवा ये उपग्रह आपको केंद्र की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कोई भी ग्रह अथवा कोई भी उपग्रह किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ जितने गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करता है, वही गुरुत्वाकर्षण बल ही उस ऑब्जेक्ट का उस ग्रह पर अथवा उस उपग्रह पर भार कहलाता है। तो भार बेसिकली गुरुत्वाकर्षण बल ही है। कोई भी ग्रह अथवा कोई भी उपग्रह किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ जितने भी ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करेगा, वही अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स आपका या किसी भी ऑब्जेक्ट का उस ग्रह पर अथवा उपग्रह पर वेट यानी कि भार कहलाएगा। अब यदि इसके फॉर्मूले की बात करें, तो वेट हम लोगों ने समझ लिया, ये भार ही होता है, मतलब वेट गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल के अगर समीकरण की बात करें, तो न्यूटन के नियम से गुरुत्वाकर्षण बल का जो इक्वेशन होगा वो होता है g m1 m2 / r2। जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, उसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चेंज नहीं होती। m1 में हम रखेंगे इस ग्रह का द्रव्यमान, mp मान लेते हैं, मास ऑफ दैट प्लैनेट। M2 में आपका द्रव्यमान रखा जाएगा m/ दोनों के बीच की दूरी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी इस ग्रह की त्रिज्या के बराबर, इस ग्रह की त्रिज्या को rp मान लेते हैं। अब आप ये बताइए, ये फॉर्मूला वैसे तो मैंने ग्रह के लिए लिखा है, पर आप ये फॉर्मूला उपग्रह के लिए या इस ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह अथवा किसी भी उपग्रह के लिए लगा सकते हैं, इसलिए तो इस नियम को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा जाता है। अब आप सोच के बताइए, क्या सभी ग्रहों का द्रव्यमान या फिर सभी ग्रहों की त्रिज्या सेम है? बिल्कुल नहीं। कुछ ग्रह छोटे हैं, कुछ ग्रह बड़े हैं, कुछ ग्रह बहुत ही बड़े हैं,
और उपग्रह तो बहुत ही छोटा होता है। तो सिंस सभी ग्रहों का द्रव्यमान और त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं, इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट भी अलग अलग प्लैनेट पे या फिर अलग अलग सैटेलाइट्स पर अलग अलग होता है। यानी भार एक वेरिएबल क्वांटिटी है, ये बदल सकती है। इवन पृथ्वी पर भी अलग अलग स्थानों पर, विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर किसी भी व्यक्ति का भार बदल जाता है। अब पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर किसी भी व्यक्ति का भार क्यों बदलता है और कैसे बदलता है, वो हम लोग गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में विस्तार में देखेंगे। तो यहाँ एक बात तो समझ में आ गई कि वेट क्या होता है, और ये भी समझ में आ गया कि वेट कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता, वो अलग अलग ग्रहों पर, अलग अलग उपग्रहों पर अलग अलग होगा। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि वेट क्या होता है और मास क्या होता है। इसमें भी लिख देते हैं अमाउंट ऑफ मैटर। अब अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो द्रव्यमान एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और भार एक बल है, बल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो नो डाउट वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, और भार की जो यूनिट होती है वो बल है, बल की यूनिट क्या होती है भाई, न्यूटन। तो भार की भी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। तो कभी कभी डॉक्टर लोगों के यहाँ हम पर्चे पे देखते हैं ऐसे 50 किलोग्राम होता है लेकिन उसके बगल में भार लिखा होता है, वो गलत है। भार की यूनिट किलोग्राम नहीं होती, किलोग्राम जो यूनिट है वो द्रव्यमान की होती है। तो डॉक्टर के पर्चे पे भार के जगह जब हम लोग 50 किलोग्राम या 55 किलोग्राम लिखते हैं तो वो टेक्निकली गलत होता है। फिर चौथा अगर इसमें हम डिफरेंस देखें तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, किसी भी पिंड का द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा रहता है। यानी यदि आप 50 केजी के हैं तो आप चाहे यहाँ पे रहें, चाहे आप मंगल ग्रह पर चले जाएं, चाहे आपको किसी दूसरे सुदूर ग्रह में भेज दिया जाए, आपका जो द्रव्यमान होगा वो 50 किलोग्राम ही रहेगा। पर आपका वेट, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग होता है। तो मास कैसी क्वांटिटी होती है, ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है यानी परिवर्तित नहीं होती, और वेट क्या है, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। उसके बाद देखिए फिफ्थ और लास्ट पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, चाहे वो छोटा से छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना हो, या कोई भी बड़ा से बड़ा पार्टिकल हो, छोटा से छोटा पार्टिकल हो, उसका मास कभी भी जीरो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³⁻³ kg, बहुत ही छोटा लेकिन फिर भी मास होता है। तो मास किसी भी ऑब्जेक्ट का जीरो नहीं हो सकता, पर वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का जीरो हो सकता है। वेट कैन बी जीरो, अगर कोई पूछ दे कि कहाँ जीरो हो सकता है तो इसका एक एग्जांपल दे देते हैं आपको। पृथ्वी के अगर आप केंद्र पर जाएंगे, सेंटर पर, तो सेंटर पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है, जो भार है, वो शून्य हो जाता है। अब पृथ्वी के केंद्र पर भार क्यों शून्य होता है, उसको भी हम लोग गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में देखेंगे विस्तार में। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको कि वेट जीरो हो सकता है। तो आई होप द्रव्यमान में और भार में क्या अंतर होता है, अब ये हमेशा हमेशा के लिए आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसका भार, वेट क्यों फील होता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि लोग बोलते हैं कि हम बहुत वेटेड हो गए हैं, उठने बैठने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रहा है। तो आखिर हमें अपना वेट फील क्यों होता है, इसको समझते हैं, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि लिफ्ट जब ऊपर जाती है तब, जब नीचे जाती है तब, भार में कैसे परिवर्तन होता है। तो इसके लिए आपको एक चीज समझनी होगी जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको बता रहा हूं नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, आप एकदम टेंशन मत लीजिए, आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा। से मान लीजिए ये ग्राउंड है, धरातल है, अगर यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो ये ऑब्जेक्ट धरातल को नीचे की तरफ प्रेस करता है, नीचे की तरफ दबाता है। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में नीचे जाने की टेंडेंसी होती है, पृथ्वी इसको खींच रही है। अगर ये आपको एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, घर में लेट जाइए और अपनी पीठ पर एक भारी भरकम पत्थर का टुकड़ा रख दीजिए। देखिए वो पत्थर का टुकड़ा आपको दबाएगा, तो पत्थर का टुकड़ा आपको दबा रहा है, ठीक वैसे ही ये ऑब्जेक्ट भी सतह को दबा रहा है। जैसे हम अगर अपने हाथ पर इस ऑब्जेक्ट को रखें तो इस ऑब्जेक्ट में नीचे जाने की टेंडेंसी है, अगर हम अपना हाथ हटा लें तो ये ऑब्जेक्ट तुरंत नीचे चला जाएगा। तो नीचे जाने की टेंडेंसी है, हेंस ये ऑब्जेक्ट मेरे इस हाथ को प्रेस कर रहा है, दबा रहा है, दबा रहा है मतलब बल लगा रहा है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर बल लगाता है, बदले में दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर उतना ही बल, वैसा ही बल अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। इसे हम कहते हैं न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।
तो यदि ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथ को दबाएगा तो बदले में मेरे हाथ द्वारा भी इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की ओर एक बल लगेगा। इसी बल को फिजिक्स में हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, यानी इस ऑब्जेक्ट ने धरातल को प्रेस किया, बल लगाया, तो बदले में धरातल द्वारा भी इस पर ऊपर की तरफ एक बल लगेगा। इसे ही हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन, एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगहों पर इसे आर से भी प्रदर्शित करते हैं। तो यदि इस ऑब्जेक्ट की जगह कोई आदमी अगर इस तरह से खड़ा है धरातल पर, तो इस आदमी के पैरों पर भी धरातल द्वारा बल लगेगा। पहली बात तो ये आदमी अपने पैरों द्वारा धरातल को नीचे की तरफ प्रेस करेगा, बदले में धरातल द्वारा हमारे पैरों पर ऊपर की तरफ बल लगेगा। उसे ही हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन। और इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ही किसी भी व्यक्ति को उसका वेट फील होता है। यदि किसी तरह से ये नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाए तो हमें भी अपना वजन, हमें भी अपना वेट बढ़ा हुआ महसूस होगा, और अगर किसी तरीके से ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम हो जाए तो हमें भी अपना जो वेट है, जो वजन है, वो घटा हुआ महसूस होगा। अब वेट में आई होप आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में वेरिएशन जरूर फील किया होगा। जब आप चरखी पे झूलते हैं दुर्गा पूजा वगैरह में और चरखी ऊपर से नीचे आती है, झूला ऊपर से नीचे आता है, तो हमें अपना वेट कम फील होता है। वैसे लिफ्ट में, हालांकि आज के समय में जो लिफ्ट है वो तो बहुत ही स्मूथ चलते हैं, हमें अपने वेट में वेरिएशन फील नहीं होता, पर पुराने ज़माने के अभी भी सरकारी दफ्तरों में जो लिफ्ट हैं वो जब ऊपर से नीचे आएंगे तो आपको अपने भार में कमी, और जब वो नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको अपने भार में वृद्धि का अनुभव होगा। अब वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी फिजिक्स को समझते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको कि किसी भी व्यक्ति को उसका भार क्यों फील होता है। उसे अपने पैरों पर धरातल द्वारा लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन के कारण ही उसका जो भार है वो उसका अनुभव करता है। अब देखिए, लिफ्ट के भीतर कोई आदमी है, इसके तीन केस लेते हैं। पहला केस ये है कि लिफ्ट विरामावस्था में है, यानी लिफ्ट रुकी हुई है, कहीं नहीं जा रही। केस नंबर टू ले लेते हैं जिसमें लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही होगी। और तीसरा केस ले लेते हैं जिसमें लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही होगी। तो केस नंबर वन, लिफ्ट विरामावस्था में है। केस नंबर टू, लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। और केस नंबर थ्री, लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है। तो पहले नंबर केस में देखते हैं, किसी और को भी बना लेते हैं, अरे अकेले थोड़े ना सफर करेंगे। अब इन मोहतरमा के आ जाने की वजह से थोड़ा सफर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इसे देखने से तो ये चुड़ैल ही लग रही है, भगवान ही बचाए इसको। खैर, तो अब देखते हैं। अब इस व्यक्ति का मास मान लेते हैं m है, इस व्यक्ति का द्रव्यमान m है। सबसे पहले पृथ्वी द्वारा इस पर लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल mg नीचे की ओर, जिसकी वजह से ये लिफ्ट के बेस को, लिफ्ट के धरातल को दबाएगा। बदले में लिफ्ट के धरातल द्वारा इस पर ऊपर की ओर बल लगेगा। कुल मिलाजुला के जो बल है उसको आप n मान लीजिए, ये n नॉर्मल रिएक्शन है। सिंस ये आदमी कहीं जा नहीं रहा है, ये लिफ्ट विरामावस्था में है तो ये आदमी भी रुका हुआ है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है तो उस पर फोर्सेस बैलेंस होते हैं, यानी जितना बल ऊपर ठीक उतना ही बल नीचे। तो हम यहां लिखेंगे ऊपर की ओर लगने वाला बल n बराबर नीचे की ओर लगने वाला बल mg। ये mg देखिए वेट है, वेट का जो इक्वेशन हमने लिखा था कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, इसमें ये वाली जो वैल्यू है यही स्मॉल g होती है। इसमें हर एक चीज की वैल्यू हमें पता है, जैसे पृथ्वी के लिए कैपिटल M का मान 6 × 10⁻²⁴ होता है, R की वैल्यू 6400 किलोमीटर होती है, और G की वैल्यू 6.67 × 10⁻¹ⁱ होती है। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 9.8, और उसे ही हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, और उसको स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी जगह अगर आप स्मॉल g लिख देंगे तो ये mg बन जाएगा। तो वेट का जो फॉर्मूला है उसको आप शॉर्टकट में mg भी लिख सकते हैं। तो mg वेट हुआ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हुआ, ऊपर की तरफ लगा नॉर्मल रिएक्शन, दोनों आपस में बैलेंस है, यानी n बराबर मिला mg। अब इसमें ध्यान दीजिए, mg इस आदमी का एक्चुअल वेट है। यदि उसका मास m है, पृथ्वी पर खड़ा है, तो उसका जो एक्चुअल वेट होगा वो होगा mg, और नॉर्मल रिएक्शन भी एक्चुअल वेट के बराबर आ रहा है। यानी लिफ्ट यदि रुकी हुई हो तो उसके भीतर खड़े व्यक्ति को उसका भार, जो उसका एक्चुअल भार है, उसी के बराबर फील होगा। यानी ना ही भार में कोई वृद्धि का अनुभव होगा और ना ही भार में किसी कमी का अनुभव होगा।
अब बात करते हैं केस नंबर टू की। सबसे पहले बात करते हैं केस थ्री की, इसको देखते हैं पहले, फिर बात करेंगे केस टू की। इसमें भी अगर हम इस पर लगने वाले बलों को देखें तो एम जी लगा नीचे, यहाँ पैरों पर लिफ्ट के धरातल द्वारा लगेगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, तो उसके भीतर जो आदमी होगा वो भी ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट त्वरित होता है उस पर बल कभी भी संतुलित नहीं होते, अनबैलेंस होते हैं, और नीचे की ओर लगने वाला बल mg है, ऊपर की ओर लगने वाला बल n है। और अगर ये व्यक्ति लिफ्ट के साथ a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, इट मीन्स नीचे वाला बल ज़्यादा होगा, ऊपर वाला बल कम होगा, तभी तो परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ आएगा और ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा। तो इसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू एम ए। इस फॉर्मूले में जो बल है वो नेट फोर्स होता है, परिणामी बल होता है, और एक बल अगर नीचे दूसरा बल ऊपर लग रहा हो तो जो परिणामी बल होगा उसको बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाने पर हमें मिलेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे एम जी यानी बड़ा वाला बल माइनस नॉर्मल रिएक्शन यानी एन छोटा वाला बल इज इक्वल्स टू एम ए। यहाँ से यदि हम नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आएगा एम जी माइनस एम ए, और एम जी क्या था, एम जी था एक्चुअल वेट। आप चाहे तो एम जी की जगह एक्चुअल वेट डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं डब्ल्यू में से एम ए माइनस हो रहा है, यानी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इसकी अपेक्षा कम हो जा रही है। और अगर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम होगी तो इस स्थिति में व्यक्ति को अपना भार घटा हुआ महसूस होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही हो तो उसमें खड़े हुए व्यक्ति को अपना जो वजन है वो घटा हुआ महसूस होता है, और यही चीज़ हम लोग भी फील करते हैं। इसको देखते हैं, इसमें भी अगर इस पे लगने वाले बलों को देखें तो ये होगा एम जी, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। सिंस ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है इसलिए ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, ये वाली वैल्यू कम होगी। ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी तभी तो ये ऊपर जाएगा। इसके लिए भी अगर आप F इज इक्वल्स टू एम ए लगाएंगे तो F की जगह लिखेंगे बड़ा वाला बल माइनस छोटा वाला बल यानी N माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। यहाँ से देखिए नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा आपको एम जी प्लस एम ए, और एम जी क्या था, एक्चुअल वेट था, N इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस एम ए। अब आप इन तीनों केसेस को, तीनों रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर कीजिए। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू सीधे सीधे W के बराबर मिल रही है, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन W से ज़्यादा मिल रहा है, और वहाँ नॉर्मल रिएक्शन W से कम मिल रहा है। यानी इस केस में व्यक्ति को उसका वास्तविक भार फील होगा, इस केस में व्यक्ति को उसका भार बढ़ा हुआ फील होगा, और इस केस में व्यक्ति को उसका भार घटा हुआ फील होगा। और इस केस में भी यदि A की वैल्यू G के बराबर हो जाए, यानी लिफ्ट का जो केबल वगैरह है, तार है, सपोज करिए अचानक वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो लिफ्ट एकदम फ्री फॉल होने लगेगी, यानी गुरुत्वीय त्वरण जी से गिरने लगेगी। और अगर गुरुत्वीय त्वरण जी से लिफ्ट गिरने लगे, ए की वैल्यू जी के बराबर हो जाए, तो यहाँ देखिए अगर आप ए को जी के बराबर करेंगे तो एम जी कैंसिल हो जाएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी जीरो। और नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने का अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति को उसका भार शून्य प्रतीत होगा, यानी भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपसे भी पूछा जा सकता है। तो ये तीनों केस क्लियर हो गए आपको। अब इसमें एक केस और देखते हैं, केस नंबर फोर। अब मान लीजिए कोई लिफ्ट है, जिस तरह से कंपटीशन का लेवल दिनों दिन बढ़ रहा है, हो सकता है अब आपसे इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए। ये कोई आदमी है, लिफ्ट के भीतर है, प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रही है, यानी इसका जो वी है वो कांस्टेंट है, नियत है। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि ये एक समान वेग से नीचे आ रहा है, यानी यहाँ पे लिफ्ट एक्सेलरेट नहीं हो रही, एक समान वेग से ऊपर जा रही है या फिर एक समान वेग से नीचे आ रही है। और अब आपसे पूछा जाए कि लिफ्ट के भीतर जो व्यक्ति है उसको उसका भार बढ़ा हुआ फील होगा, या ऑप्शन भी घटा हुआ फील होगा, या उसको उसके भार में कोई भी परिवर्तन का अनुभव नहीं होगा। तो देखते हैं, इस केस में एम जी नीचे, नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर। किसी भी बल को आप बड़ा मान लीजिए, किसी को भी छोटा मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए एम जी बड़ा है तो एम जी माइनस एन इज इक्वल्स टू एम इंटू, सिंस वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी जीरो। भाई वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, जब वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो काहे का त्वरण, त्वरण की वैल्यू जीरो होगी, जिससे पूरा आर एच एस जीरो हो जाएगा। यहाँ से देखिए एन इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा एम जी, और एम जी क्या था, एक्चुअल वेग था। यानी इस केस में व्यक्ति को उसके भार में किसी भी परिवर्तन का अनुभव नहीं होगा।
तो याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि कोई भी लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर अथवा एक समान वेग से नीचे जा रहा हो तो उसमें जो भी व्यक्ति है उसको उसके भार में ना ही किसी तरह की वृद्धि का अनुभव होगा और ना ही किसी तरह की कमी का अनुभव होगा। तो आई होप द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है ये आपको स्पष्ट हो गया होगा, और किसी भी व्यक्ति का जो वेट है वो लिफ्ट के भीतर अलग अलग स्थितियों में किस प्रकार से वैरी करता है ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, विश यू ऑल द बेस्ट।